सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल है आप सब लोगों की, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो यहाँ पर हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बीजमाए के साथ। तो हाल ही में ऋषि भाई का एक ट्वीट हमें देखने को मिला था जो उन्होंने कुछ टाइम बाद डिलीट कर दिया। अब ट्वीट यार ओपनली एंड डायरेक्टली यहाँ पर बात करता है बीजमाए के बारे में, एंड ट्वीट में ये था, जस्ट हियर द बिगेस्ट न्यूज अबाउट बीजमाए रिटर्न एंड ओ माई गॉड, ओके दिस आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। एंड आगे वो कुछ नहीं बता सकते क्योंकि सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल है, बट ये कुछ ऐसा है कि यार जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब इसके बाद वो यहाँ पर ये भी बोलते हैं, दिस इज नॉट फार्मिंग, ऑल्दो थोड़े टाइम बाद यार उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब यार ये चीज समझ नहीं आ रही कि ये चीज सच है या फिर नहीं है, बट उनके ट्वीट के रिगार्डिंग अगर हम रिस्पांस की बात करें तो काफी नेगेटिव रिस्पांस हमें देखने को मिला है। एंड वहीं क्रिएटर्स के रिएक्शन की बात करें तो मोस्टली लोगों का यही कहना है कि यार हर बार एक कॉन्फिडेंशियल लीक आता है एंड देन नेक्स्ट मंथ के एंड तक गेम आ जाता है। बट वहीं बात करें हम बीजमाए के बारे में तो यार क्रॉन्टन ड्यूरिंग इस इंस्टाग्राम लाइव ये बोलते हैं कि यार उनको नहीं लगता बीजमाए आने वाला है एंड गॉड लाइक दुबई शिफ्ट होते हुए नजर आ सकती है एंड पबजी मोबाइल में कम्पीट करते हुए नजर आ सकती है। एंड उन्होंने दुबई में सब कुछ सेट कर रखा है एंड बस प्लेयर के पासपोर्ट रेडी होना बचे हैं, बाकी उसके अलावा वो शिफ्ट हो सकते हैं। टाइम फॉर आवर प्लेयर टू प्ले फ्रॉम दुबई। यस गाइस, आई थिंक सो, कुछ करना पड़ेगा गाइस अब, क्योंकि बीजीएमआई आई डोंट थिंक सो अभी आ रही है। अरे दुबई में ऑलरेडी अपना सब कुछ है गाइस, डोंट वरी। दुबई में अपने को बस चाहिए पासपोर्ट जाने के लिए, बस उधर अपना ऑलरेडी सब कुछ है, कंपनी एंड ऑल। मैंने वीडियो में आगे बढ़ लेते और हमने ऋषि भाई के बारे में बात ही करी थी तो हाल ही में यहाँ पर एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं कि ग्लोबल ईस्पोर्ट्स में एक मंथ का कितना एक्सपेंस आता है, वो भी जब इंटरनेशनली वो वैलोरेंट में कॉम्पीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनके पर मंथ का खर्चा अप्रोक्स 1 करोड़ का है, यानी कि 12 महीने में 12 करोड़ रुपए का। एंड ये एक्सपेंस इंक्लूड करता है ए से लेकर के जेड तक की चीजें। बट ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के रिगार्डिंग सैड न्यूज ये है कि ग्लोबल ईस्पोर्ट्स एलिमिनेट हो चुकी है वीसीटी पैसिफिक 2023 से, जब वो हार चुकी थी टीम सीक्रेट से 0-2 से। एंड इसके बाद ऋषि भाई की तरफ से एक स्पीच भी हमें देखने को मिली जो ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे। एंड वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में। सो आपने यार काफी दफा सुना होगा, काफी लोगों को ये चीज बोलते कि गेमिंग क्रिएट्स वॉयलेंस एंड गेम से वॉयलेंस बढ़ता है। तो इसी चीज के ऊपर स्टैनफोर्ड के जो रिसर्चर्स हैं वो काफी टाइम से इस चीज पर रिसर्च कर रहे थे एंड वो एक कंक्लूजन पर आए हैं कि वीडियो गेम्स और गन वॉयलेंस के बीच कोई भी लिंक नहीं है। एंड आगे वो ये क्लेम करते हैं कि यार गेमिंग से बच्चे और बड़े लोग बिगड़ रहे हैं, वॉयलेंट क्रिएट कर रहे हैं। ये चीज पॉलिटिशियन यूज करते आ रहे हैं काफी टाइम से एंड इस चीज का प्रैक्टिकली कोई भी प्रूफ नहीं है, बिकॉज वीडियो गेम्स और गन वॉयलेंस का कोई भी लिंक नहीं मिला उनको, वो भी काफी सारी रिसर्च करने के बाद। लेकिन रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि यार वीडियो गेम्स एग्रेशन बढ़ा देते हैं लेकिन वॉयलेंस जनरेट नहीं करते। एंड इनफैक्ट उन्होंने ये भी रिसर्च निकाली, जब उन्होंने एक तरफ यार वॉयलेंट यानी कि क्राइम वगैरह जो चीज हो रहा था उस साइड की रिपोर्ट और दूसरी साइड यार जब वीडियो गेम्स रिलीज हुए थे तब की वॉयलेंट की रिपोर्ट, तो ये पता चला कि जब से गेम हाई मात्रा में खेले जा रहे थे उस एग्जैक्ट सेम मोमेंट पर वॉयलेंस और क्राइम जो हो रहे थे वो घट चुके थे, क्योंकि लोगों का गुस्सा गेम में निकल रहा था इन कम्पेयर टू रियल लाइफ। एंड आगे रिसर्चर्स का ये कहना है कि जो भी केसेस हमें देखने को मिले गेम की वजह से, जैसे दो जनों ने गेम में ही यार आपस में लड़ाई कर ली, किसी ने किसी का मर्डर कर लिया, समथिंग लाइक दैट, तो वो खराब मेंटेलिटी और कम एजुकेशन और मेंटल इलनेस की वजह से ऐसा हुआ है, ना कि उस गेम को खेलने की वजह से। बाकी आपका इस चीज पर क्या कहना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो बस यार इस फेवरेट प्लेयर बोलो भाई, क्या गाली गलौज चल रही है बताओ। मैं देख रहा हूं यार हाइलाइट्स हो रही है यार, बताओ गाली देना सही थोड़ी है यार, वो मेरे को देगा तो मैं भी दूंगा ना। और भाई किसका कैसा मूड है किसको थोड़ी पता है, चैट में बोले जा रहे हैं कि तू आने, तू आज भी भर दिया उसको। भाई मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, किस मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है स्टार्ट से लेके एंड तक। तूने आज तो नहीं कुछ बोला ना, क्या तूने आज तो कुछ नहीं बोला आज? हाँ। नहीं वो तो वो लोग रिकॉर्डिंग बजा रहे थे ऑल पे। अच्छा। जो मतलब रिकॉर्डिंग पे की थी भाई आज। तो बस यार इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतना, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी जोर से सब्सक्राइब कर देना। बाकी भी मैं भी चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।